देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थम रही है। इस बीच देश में कोरोना की तीसरी लहर और लॉकडाउन को लेकर एक फर्जी खबर काफी वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने तीसरी लहर के मद्देनजर बड़ा ऐलान किया है, देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का बड़ा फैसला लिया है। एक फर्जी तस्वीर में पीएम मोदी के हवाले से कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने और लॉकडाउन के ऐलान का दावा किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन तस्वीरों में लिखा क्या है, क्या है इस तस्वीर की सच्चाई। इन वायरल तस्वीरों में लिखा गया है कि पूरे देश में फिर से लॉकडाउन की तैयारी शुरू हो गई। पीएम मोदी ने देश में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसमें कहा गया है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई। पीएम मोदी ने किया है बड़ा ऐलान, जबकि सच तो यह है कि पीएम मोदी ने ऐसा कुछ ऐलान ही नहीं किया है। जब रिसर्च टीम ने रिसर्च किया तो पता चला कि न्यूज चैनलों के वीडियो और उनके लोगों का दुरुपयोग करते हुए ये फर्जी पोस्ट तैयार की गई है, जबकि ऐसा कोई घोषणा सरकार की ओर से किया ही नहीं गया है। अब आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है वायरल। फेसबुक पेज महलबारी टीवी ने 30 जून को एक वीडियो को पोस्ट करते हुए दावा किया कि देश में लॉकडाउन का ऐलान तीसरी लहर के मद्देनजर बड़ा फैसला। वायरल पोस्ट में पीएम मोदी की तस्वीर के साथ एक न्यूज चैनल का लोगो इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अलग अलग खबरों को इस्तेमाल भी किया गया है।